कमिंग सर, आइए आइए सर, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिले? खैरा में मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूँ आपके साथ ज्योति सरहा। 2 लाख रुपए देकर फर्जी आईपीएस बनने वाले मिथिलेश का अब यूट्यूब पर एक गाना आ गया है। मिथिलेश अब एक स्टार बनने जा रहा। बता दें कि मिथिलेश जब फर्जी आईपीएस की वर्दी में पकड़ा गया तब उसने बताया कि अब उसे आईपीएस नहीं बनना, अब उसे डॉक्टर बनना है। लेकिन अब मिथिलेश एक अलग ही सपने की ओर बढ़ रहा है, वो है स्टार बनने का सपना। बता दें मिथिलेश ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर एक गाना डाला है, जिस गाने का नाम है वायरल आईपीएस मिथिलेश। बता दें कि अब इस गाने पर काफी व्यूज भी आ रहे हैं और कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। बता दें कि 2 लाख रुपए देकर आईपीएस बनने वाला मिथिलेश जहां सुर्खियों में छाया हुआ रहा, तो वहीं अब मिथिलेश को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। मिथिलेश के द्वारा दी गई सभी जानकारियों पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि मिथिलेश जब आईपीएस की वर्दी में पकड़ा गया तो फिर उसने जो कहानी सुनाई थी कि उसने किसी मनोज नाम के युवक को 2 लाख रुपए देकर ये वर्दी और ये पिस्टल लिया है, वहीं अब उस मनोज की तलाश जब पुलिस ने की तो कोई भी मनोज नाम का शख्स वैसा नहीं मिला। जिसके बाद जिस तरीके से मिथिलेश ने ये बताया था कि उसने अपने मामा से 2 लाख रुपए लिए थे, तो इस पर भी पुलिस ने जब जांच की तो मामा ने 2 लाख रुपए दिए जाने की बात से इनकार किया। ऐसे में अब मिथिलेश के द्वारा सुनाई गई कहानी मनगढ़ंत लगने लगी है। हालांकि पुलिस इस पर जांच में जुटी है। मिथिलेश ने जो कहानी सुनाई थी वो अब एक संशय का विषय बन चुका है। दूसरी ओर मिथिलेश अब एक स्टार बनने का सपना देख रहा है। मिथिलेश ने यूट्यूब पर अपना एक वीडियो डाला है जिसका नाम है वायरल आईपीएस मिथिलेश। इस यूट्यूब वीडियो पर अब तक 15,000 से अधिक व्यूज आ चुके हैं। इस व्यूज के साथ ही मिथिलेश ने यूट्यूब पर अपने इस वीडियो में लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करने का अपील भी किया है। बता दें कि मिथिलेश को लेकर के एक और जहां काफी ज्यादा सुर्खियां बनी हुई है, तो वही 2 लाख रुपए देकर बिना यूपीएससी एग्जाम पास किए आईपीएस बन जाने का सफर जो मिथिलेश ने तय किया, इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जो भी अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पीआर के साथ। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? घर कहाँ है? कौन सा थाना है? हलसी। कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में। खैरा में मिली। क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिला देंगे। अच्छा, तो 2 लाख रुपए तुम दे दिया? हाँ दे दिया। कब? एक महीना हो गया, 4 तारीख को। एक महीना पहले? हाँ, एक महीना पहले 4 तारीख को। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? खैरा में दिया। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी अस्पताल, वहीं पर हम वहीं पर ये वर्दी पहना दिया। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ कैसे वहाँ से खैरा सिकंदरा कैसे पहुँचे? जिससे बोला कि तुम चल जाओ घर, हम चलेंगे घर, बोल चलाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ इधर जाओ। जिससे हम पढ़ाई करते थे, ठीक है, तो इतने गए थे पार्क, खैरा है ना, वहाँ गए थे पार्क, तो वहाँ पे गए तो एक आदमी मिला, ठीक है, तो हम जिससे हम पैसे की बात कर रहे थे, हम और दोस्त, मेरे मम्मी ने पैसा लगाया है, हम ये काम करेंगे, अब कुछ नहीं लिया, तो बोला क्या तुमको हम पुलिस में दे देंगे, तुमको इतना इतना पैसा देना, तो हम 2 लाख में पूछते दे देंगे, ठीक है, 2 लाख दे दिए, 2 लाख दिए, ठीक है, तो बोला हम और खुश हो गए, वर्दी वर्दी दे दिए, फिर फिर बोला अब तुम जेन हो गया, हर से बोल दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर अभी बुलाया हम खेला कि 30,000 मैंने और लेगा, तो कर्जा उर्जा मैंने 30,000 मैंने जमा कर रहा था,